अच्छा, अब यहां पर आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो मैंने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अलग कॉन्सेप्ट है और इलेक्ट्रिकल फोर्स एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये वो जगह है जहां हम फील्ड और फोर्स को मर्ज करके समझ सकते हैं। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक चार्ज है Q1, चार्ज Q1 की फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रिंसिक है। क्या मतलब इसका? कि चाहे मैं उसके अंदर उसके करीब किसी चार्ज को लाऊं या ना लाऊं, उसकी फील्ड बरकरार है, सही है। मगर जब मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करनी होगी तो मुझे उसकी Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज पार्टिकल लाना पड़ेगा, तब मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूं, सही है। फोर्स मैं उस वक्त कैलकुलेट कर सकूंगा कि जब मैं एक चार्ज की फील्ड के अंदर दूसरा चार्ज लाऊंगा, मगर फील्ड, चाहे उस चार्ज की फील्ड के अंदर कोई और चार्ज आए या ना आए, फील्ड हमेशा मौजूद है। दिस इज व्हाट वी कॉल इंट्रिंसिक, सही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब होता क्या है इसके, इट इज अ, इसको हम दो स्टेप्स में बात को समझ सकते हैं, सही है। सबसे पहला स्टेप नंबर वन किस चीज का, यानी जब दो चार्जेस को मैं एक दूसरे से करीब लाऊंगा, हमने बात कहां से शुरू की थी कि ये फोर्सेस जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये ट्रांसमिट कैसे होती है, सही है। अब हम कह रहे हैं कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से करीब आएंगे तो क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये है दैट Q1 विल हैव इट्स फील्ड, सही है। यानी मैं यहां आपके लिए दोबारा डायग्राम बना देता हूं कि लेट्स से दिस इज Q1, दिस इज लेट इट बी Q1, सही है। अब Q1 की अपनी एक फील्ड है, ये इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है। अब मैंने क्या किया, स्टेप नंबर टू क्या है? स्टेप नंबर टू ये है कि अ पॉइंट चार्ज, जैसे मैंने आपको बताया था कि फील्ड तो हमेशा मौजूद इसकी रहेगी, इस चार्ज की फील्ड हमेशा मौजूद रहेगी, मगर अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करना चाहता हूं कि ये चार्ज पर, ये किसी दूसरे चार्ज पर कितनी फोर्स अप्लाई कर सकता है, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए ये जरूरी है कि मैं इसकी फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल लाके रखूं, सही है। तो मैं ये कहता हूं कि सही है, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था, इट वॉज प्लस Q1, मैंने इसकी फील्ड में एक और पॉइंट चार्ज लाके रख दिया, सही है, सही है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? एक बहुत छोटा चार्ज, बहुत 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 छोटा चार्ज मैंने इसकी फील्ड के पास लाके रख दिया। मैं आपको बना के दिखा देता हूं, जैसे ये भी प्लस है, पॉजिटिव है, और इसको मैंने कह दिया Q0। Q0 रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, सॉरी नॉट अ, यस इट इज अ पॉजिटिव चार्ज बट इट इज अ पॉइंट चार्ज, सही है। अच्छा, अब पॉइंट चार्ज की अपनी फील्ड होगी, है ना, सही है। अच्छा, अब देखिए, जब आप दो चार्जेस को, जब आप इस पॉइंट चार्ज को इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की फील्ड में लाएंगे तो क्या होगा?
तो ये वाला चार्ज Q1 एक फोर्स अप्लाई करेगा इस पार्टिकल पर ऐसे, सही है। और ये फोर्स क्या है, दिस फोर्स इज F इज इक्वल्स टू Q नॉट मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, सही है? ये जो डॉट्स है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, सही है। और ये जो फोर्स है ये वो फोर्स है जो इसने इस पॉइंट चार्ज पर अप्लाई किया है, सही है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरह फोर्स पैदा हुई, जब ये वाला चार्ज पार्टिकल हमने इसकी वेसिनिटी में नहीं लाए थे तो देयर वॉज नो फोर्स बट देयर वॉज फील्ड, मगर जैसे ही हम इस पॉइंट चार्ज को इस चार्ज पार्टिकल के करीब लाए, देयर इज अ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस पार्टिकल ऑन द पॉइंट चार्ज एंड दिस इज दैट फोर्स, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। और मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि ये जो हमने Q नॉट एज्यूम किया है, इट इज सच अ स्मॉल पॉइंट चार्ज कि जो इसकी फील्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, राइट सही है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इसकी फील्ड के अंदर मौजूद जो ताकत अप्लाई करने की कुव्वत है वो कैलकुलेट करें, दैट इज दैट एफ, सही है, बात समझ आ रही है। अच्छा, तो अब सेकेंड स्टेप क्या हो गया कि जब आप इस पॉइंट चार्ज को Q1 की फील्ड में रखेंगे सो फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और वो फोर्स मैंने आपको यहां लिख के बता दी कि वो फोर्स क्या होगी, सही है। अच्छा, अब हमने एक चार्ज पार्टिकल को, तो जब हम चार्ज पार्टिकल को इस पार्टिकल के करीब लाए तो हमने फोर्स निकाल ली कि भाई फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊं न्यूमेरिकली, सो जाहिर है इसी एक्सप्रेशन से मैं निकाल सकता हूं कि ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू द फोर्स पर यूनिट पॉइंट चार्ज, सही है। अच्छा, अब जाहिर है इसके यूनिट्स क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हो गए न्यूटन पर कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स, सही है। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी इस वक्त इस डायग्राम में मैंने फोर्स की डायरेक्शन यू बना दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैंने फोर्स की डायरेक्शन यू बना दी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, सही है। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि किस तरह दो चार्जेस के दरमियान अप्लाई होने वाली फोर्स को हम कूलम्स लॉ के जरिए से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो व्हाट वाज दैट एक्सप्रेशन, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला, इट वाज एफ इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R square and R cap. R cap is the unit vector. ये कोई नई चीज नहीं है, ये आपने पहले से पढ़ी हुई है। अच्छा, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला इस वाले केस के लिए अप्लाई करने की कोशिश करूं, सही है, तो क्या हो जाएगा, और मैं ये अज्यूम करूं कि ये दोनों पार्टिकल्स जो मैंने ये पॉइंट चार्ज और ये चार्ज पार्टिकल दोनों वैक्यूम में रखे हुए हैं, सो ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर एंड दिस व्हाट इज R, R इज दिस डिस्टेंस, सही है।
अच्छा आपकी बुक ने, जाहिर है आपकी बुक ने इसको जो है इस चार्ज पार्टिकल को कहा है Q, मैंने Q1 कहा है, सही है, आपकी बुक ने Q कहा है और इसको Q0 कहा है आपकी बुक ने, तो आपकी बुक में जो ये एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि F is equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught Q, मैंने Q1 कहा है, बुक में Q लिखा हुआ है, does not matter, the concept is important, और ये हो गया R square R unit, R cap, सही है। अच्छा अब ये तो वो फोर्स है, अच्छा ये कौन सी फोर्स है, ये जाहिर है ये वाली फोर्स है ना, द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स, राइट। अच्छा अब मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं ये देख चुका हूं कि E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट ये पॉइंट चार्ज है जो मैं फील्ड पढ़ने के लिए, फील्ड को, फोर्स को समझने के लिए इस पॉइंट चार्ज, इस चार्ज पार्टिकल के करीब लाया था, है ना। अब अगर मैं इस फोर्स को ये वाली फोर्स से रिप्लेस कर दूं तो E क्या बन जाएगा, F की जगह मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और R कैप डिवाइडेड बाय Q नॉट, सही है। तो ये वाला जो Q नॉट है इस Q नॉट से कट जाएगा, सही है। तो अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकाल लिया, ये क्या है, ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, सही है, ये एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फोर्स का, और मैंने अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आर कैप, सही है। सो ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या चीज है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक अच्छा अभी जो मैंने आपको चीजें बताई थी, समझाई थी, वही इस एक्सप्रेशन में आपको नजर आ रहा है। देखिए फोर्स में Q भी मौजूद है, Q नॉट भी मौजूद है, फील्ड में सिर्फ Q मौजूद है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि चाहे Q के बराबर में, चाहे Q के पास कोई दूसरा Q नॉट हो या ना हो, फील्ड मौजूद होगी, दैट इज फील्ड इज इंट्रिंसिक। मगर फोर्स में Q भी मौजूद है और Q नॉट भी मौजूद है, यानी जहां फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा इसका मतलब दो चार्ज पार्टिकल्स होने लाजिम है, राइट। मगर जहां सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल होगा वहां सिर्फ फील्ड मौजूद होगी, देयर वोंट बी एनी फोर्स। जैसे ही उस फील्ड में आप कोई चार्ज लाके रखेंगे देयर विल बी अ फोर्स प्रोड्यूस्ड,